गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड आउट डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शंस। फंक्शंस टॉपिक हम पहले भी कर चुके हैं, पर जो प्रॉब्लम आती है रादर स्टूडेंट्स को वो आती है रेंज निकालने में। तो कोशिश करेंगे कि आपको रेंज निकालना इजी हो जाए, उसी के लिए हम एग्जांपल्स कर रहे हैं और ये इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम CBSE पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहले तो हमें कुछ पॉइंट्स याद होने चाहिए, ये आपको लर्न करना है, बिकॉज अगर ये पॉइंट्स याद होंगे तो आप इजीली क्वेश्चंस तो कर पाएंगे। तो अगर इक्वेशन इस तरीके से एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर, तो एक्स लाई करेगा माइनस ए और ए के बीच में इंक्लूसिव। अगर एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू या तो माइनस ए से लेस होगी या एक्स से, और या एक्स की वैल्यू ए से ग्रेटर होगी। ठीक है, सिमिलरली अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बीच में है, तो एक्स की वैल्यू माइनस बी ए इंटर माइनस बी और माइनस ए इंटरवल के अंदर होगी, यूनियन ए और बी इंटरवल के अंदर होगी। सिमिलरली अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बीच में है, दैट मीन्स इक्वल टू नहीं है, तो ये ओपन इंटरवल होंगे दोनों तरफ, माइनस बी से माइनस ए और ए से लेकर बी तक। ठीक है, अब निकालते हैं डोमेन एंड रेंज। तो ये क्वेश्चन आ गया, एफ एक्स इज इक्वल टू 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डोमेन कैसे निकालेंगे? डोमेन निकालने के लिए जो डिनोमिनेटर है ये जीरो नहीं होना चाहिए, बिकॉज डिनोमिनेटर अगर जीरो होगा तो ये डिफाइंड नहीं होगा। तो अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर 2 माइनस एक्स स्क्वायर टू जीरो हो गया, इसका मीनिंग एक्स की वैल्यू प्लस रूट प्लस माइनस रूट टू, तो प्लस माइनस रूट टू पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो इस फंक्शन का जो डोमेन आ गया वो तो इजिली आ गया कि आर में से हम ऑल रियल वेल फंक्शंस, इसके मतलब ये ऑल रियल वैल्यूज हैं, किसकी? एक्स की। एक्स कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट माइनस रूट टू एंड प्लस रूट टू, क्योंकि इस पर डिफाइंड नहीं है। तो ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट माइनस रूट टू एंड प्लस रूट टू। अब बताती इसकी रेंज निकालने की। तो रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी फंक्शन दे रखा है उसको इंस्टेड ऑफ वाई विल बी राइटिंग इन एक्स, ठीक है, एक्स में लिख लेंगे इसको। तो कोशिश की, 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3/y, तो एक्स की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2 माइनस 3/y। एलसीएम ले ले तो बीच में आ गया नीचे 2y माइनस 3/y माइनस 0, y को लिख दिया y माइनस 0। अब इसकी वैल्यू जो अंडर रूट के नीचे है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, बिकॉज रियल वैल्यूज की हम बात कर रहे हैं। तो ये आ गया 2y माइनस 3/y माइनस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स हम कैसे निकालते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग हम इक्वेट करते हैं 0 से। तो 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3/2, और y माइनस 0 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0। तो 0 और 3/2 हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, LHS जो है ये पॉजिटिव है, तो जो हमारा रेंज होगा 3/2 से इन्फिनिटी तक। और इसमें ये हम रेंज की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स 2y माइनस 3/y माइनस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का ये फिगर है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, कन्फ्यूजन ना हो, ये x नहीं है, ये है, इसे आप लिखोगे 2y माइनस 3/y इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 का ये फिगर है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हमारी रेंज में आ रहा है, ये भी पॉजिटिव है, ये हमारी रेंज में आ रहा है, पर y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर y की वैल्यू 0 हो गई, y cannot be 0, ठीक है। तो अगर y की वैल्यू 0 हो गई तो डिनोमिनेटर तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, x डिफाइंड नहीं होगा। ठीक, तो हमने यहाँ पे हमारा जो रेंज आएगा, रेंज ऑफ द फंक्शन क्या आ गया, 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी ओपन, 0 इंक्लूडेड नहीं है। और यहाँ पे हमने 3/2 को इंक्लूड किया है अपनी रेंज में, क्योंकि ये आ रहा है, तो 3/2 टू इन्फिनिटी। ठीक, ऐसे भी और एग्जाम्पल्स हम करने वाले हैं, तो कोशिश करें समझने की। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो हमें इसका डोमेन निकालना है। तो हमें पता है कि जो मॉड्यूलस ऑफ एक्स होता है वो तो जीरो से बड़ा होता है, जीरो से बड़ा होगा या जीरो होगा, तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो। तो जो नेगेटिव आएगा इसका, एफ एक्स जो आएगा, वाई की हम जो बात कर रहे हैं, तो ये वैल्यू हमेशा लेसर दैन इक्वल टू जीरो आएगी, बिकॉज ये वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, तो माइनस इंटू पॉजिटिव वैल्यू इज ऑलवेज लेसर एंड इक्वल टू जीरो, बिकॉज एक्स कैन बी जीरो ऑल्सो।
तो डोमेन तो आ गया ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। तो रेंज क्या आ गया? रेंज होगा हमारे पास रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू जीरो से लेके माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि जो आंसर आएगा हमेशा जीरो से कम ही आएगा, जीरो आएगा। तो जीरो से लेके माइनस इन्फिनिटी तक, इट कैन बी जीरो ऑल्सो। तो जीरो क्लोज कर दिया है, माइनस इन्फिनिटी तक ओपन हो गया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट नाइन माइनस एक्स स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, अगर ये फंक्शन डिफाइंड होगा तो जो नाइन माइनस एक्स स्क्वायर जो दे रखा है, इट शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो। तो अगर नाइन माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज लेसर दैन इक्वल टू नाइन। तो अगर एक्स स्क्वायर इज लेसर दैन इक्वल टू नाइन, तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो लाई करेगी माइनस थ्री और थ्री के बीच में। ठीक है, तो जो हमारा डोमेन आ गया, तो डोमेन तो आ गया माइनस थ्री से लेके थ्री तक क्लोज्ड। दैट मीन्स माइनस थ्री भी हमारे डोमेन में आ रहा है, थ्री भी हमारे डोमेन में आ रहा है। अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज के लिए फिर हमें जो ये दे रखा है फंक्शन, इस फंक्शन को हम एक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो वाई इज इक्वल टू अंडर रूट नाइन माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली अंडर रूट नाइन माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम एक्स को डिफाइन करें तो नाइन माइनस वाई स्क्वायर जो होना चाहिए शुड बी ग्रेटर दैन इट इक्वल टू जीरो। अगर नाइन माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर दैन इट इक्वल टू जीरो होगा, तो वाई स्क्वायर लेस देन नाइन होगा, तो वाई की जो वैल्यू आएगी वो माइनस थ्री और थ्री के बीच में आएगी क्लोज्ड। बट हमें पता है कि वाई की जो वैल्यू है, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट नाइन माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो वाई की वैल्यू तो जीरो होगी या ग्रेटर देन जीरो होगी। तो इस रेंज में से हमारे पास जो वाई की वैल्यूज आएंगी वो आएगी बिटवीन जीरो एंड थ्री। तो सिंस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो वाई इज एन एलिमेंट ऑफ जीरो एंड। ठीक है, तो जो रेंज आ गया, रेंज हमारा आ गया जीरो टू थ्री क्लोज्ड। क्यों आया? बिकॉज हमें यहाँ पे पता है जो वाई है वाई हमारा पॉजिटिव ही होगा या जीरो होगा मैक्सिमम। तो वाई इज इक्वल टू जीरो होगा, जीरो से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? थ्री तक। तो डोमेन तो फंक्शन का हो गया माइनस थ्री टू थ्री, और रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो गया? जीरो टू